Pemujaan. शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। मेरे पास कमेंट आ रहे थे दिवाली स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल डालिए, तो आज मैं आपके साथ दिवाली मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल है और ऐसे प्रोडक्ट का यूज किया है जो कि आपके घर में है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो आप इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लिंक सारे प्रोडक्ट के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले यूज करूंगी एस्ट्रीजेंट। तो ये है मेरे पास सयूर का एस्ट्रीजेंट, इसको मैं यूज कर रही हूँ। आप कोई भी एस्ट्रीजेंट यूज कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले जब हम मेकअप करेंगे उसमें सबसे पहले हमें जो यूज करना होता है वो होता है स्क्रब। तो सबसे पहले आप स्क्रब कीजिए अपने मेकअप को करने से पहले, फेशियल वगैरह सब कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप कीजिए तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। इसको गाइस हम लोगों को रब नहीं करना है, एकदम स्मूथली इसको लगाना है। इससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा स्मूथ मेकअप होगा और जितनी भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी निकल जाएंगी। तो आप गाइस देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, एस्ट्रीजेंट को यूज कर लिया है। तो अब जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मॉइस्चराइजर। तो मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइजर भी जरूर यूज करना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। और गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि मैं इसमें बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपका मेकअप इस दिवाली बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो गाइज मैं यूज करने वाली हूँ अब मॉइस्चराइजर। तो ये है मेरे पास बायोटिक का मॉइस्चराइजर, इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पर। और अपने नेक पर लगाना बिल्कुल मत भूलिए, आप अपने फेस एंड नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर को। सो गाइज आप देखिए मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद आपको प्राइमर को अप्लाई करना है। सो गाइज अब मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर को, और प्राइमर को लगाना बहुत ही मस्ट होता है जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारे पोर्स में नहीं जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप प्राइमर को जरूर यूज कीजिए। तो यहाँ पर मैं एपीके का मैट प्राइमर को यूज करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आप इसको यूज कर सकते हैं एंड अफोर्डेबल है। इसका रिव्यू मैंने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो देखिए मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, ये देखिए मैंने ले लिया है। अब मैं इसको जल्दी से अपने फेस पर लगा लेती हूँ। गाइज इसको हमें ध्यान रखें इसकी कम अमाउंट ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा लगा लेंगे प्राइमर को तो हमारा जो मेकअप है वो फिर मेल्ट होने लगेगा, फिसलने लगेगा, इसलिए हमें बहुत ही कम अमाउंट में प्राइमर लगाना चाहिए। इसका कम अमाउंट ही हमारे लिए काफी असरदार हो जाता है। ये जो हमारा प्राइमर है ये मैट प्राइमर है और इसने मुझे बहुत ही मैट फिनिश दिया, एकदम वेलवेट सा मेरा फेस लग रहा है मुझे। तो मुझे ये प्राइमर बहुत अच्छा लगा, एपीके के प्राइमर को आप जरूर यूज करके देखिए। अगर आप सोच रहे हैं किसी प्राइमर को परचेज करने की तो आप इस प्राइमर को बेखटके खरीद सकते हैं। और गाइस आपको प्राइमर को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो गाइस देख सकते हैं अब मुझे 5 मिनट हो चुके हैं प्राइमर को लगाने के। अब मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन, अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो मेरे पास है एपीके का फाउंडेशन, इसको मैं अप्लाई करूंगी। ये काफी अच्छा लगता है मुझे फाउंडेशन, बहुत ही अच्छे से स्किन पे लग जाता है और बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। तो अब ये फाउंडेशन मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा ग्लो देता है, मुझे बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन लगता है ये एपीके का फाउंडेशन। वैसे एपीके के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं सारे, मेरा जो प्राइमर है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा एपीके का, और ये जो फाउंडेशन है ये भी बहुत अच्छा है। और गाइज अब मैं ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, मैं ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पर जो फाउंडेशन है उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन को सेट कर देना है। ध्यान रखिए आपका ब्लेंडर वेट होना चाहिए। और फाउंडेशन कैसे लगाएं उस पर मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है, डिटेल वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डैप डैप कर उसको लगाना है। सो गाइस देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं अपने फेस पर कंसीलर का यूज करूंगी जिससे कि जो मेरा डार्क सर्कल है एंड जो मेरा ब्लैक एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैं यहाँ पर मी ऑन का ऑयल कंट्रोल कंसीलर यूज कर रही हूँ, इसका मैंने आपको रिव्यू दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मैंने 3 कंसीलर शेयर किए हैं, एक कलर क्वीन के और एक मी ऑन का और एक ग्लैम 21, ये तीनों मैंने कंसीलर आपके साथ शेयर किए हैं और मुझे इसमें से ये वाला बेस्ट लगा, तो अभी मैं वीडियो में ये वाला यूज कर रही हूँ।
सबको पता होना चाहिए कि हमेशा कंसीलर को ऐसे लगाना चाहिए, लंबा लंबा इस टाइप से। और ये जो हमारा एरिया होता है ये हमेशा ब्लैक रह जाता है, तो इसको कवर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए, ये सारे एरिया पर आपको ध्यान रखिए, यहाँ पर कंसीलर लगाना बहुत ही मस्ट होता है गाइज। और गाइज ध्यान रखिए, हमें इस टाइप का ब्लेंडर ही यूज करना चाहिए जब भी हम कंसीलर को ब्लेंड करते हैं, तो आप इस टाइप का ब्लेंडर लीजिए। इसको भी आपको डैप डैप कर कर ही करना है, रगड़ना नहीं है वरना आपका पैची हो जाएगा मेकअप। ये कंसीलर मेरे पूरे फेस को अच्छे से एक जैसा लुक देता है, इवन लुक देता है। सो गाइस देख सकते हैं, अब मैंने अपने कंसीलर को भी अच्छे से लगा लिया है। तो अब गाइस मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने फेस पर एंड अपनी नोज पर। इसमें ये वाले शेड ले रही हूँ कंटूरिंग करने के लिए, तो जैसे जैसे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ ऐसे ही आपको करनी है। सो गाइस आपको देखना, देखिए आपकी ये आईब्रो है, तो यहां से आपको अपना एंगल बनाना है और यहां से फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। देखिए आपको ऐसे दो लाइनें बना लेनी है, उसके बाद आपको यहां से और यहां से ऐसा कर देना है। और गाइस देखिए आपको ऐसा एंगल बनाना है यहां से और ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ऐसे आपको ये दोनों लाइन बना लेनी है। तो अब गाइस हमें इसको ब्लेंड करना है इस टाइप से। देखिए मैं अपनी नोज को भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ जो मैंने कंटूरिंग करी है। देख सकते हैं मैंने कंटूरिंग भी कर ली है अपने पूरे फेस पर। गाइस देखिए कंटूरिंग करने से हमें क्या फायदा होता है। कंटूरिंग से जो हमारा फेस है उसमें आप जिस टाइप का शेप चाहे वैसा ला सकते हैं। अगर आपका जो फेस है वो मोटा है तो आप उसको पतला दिखा सकते हैं, अगर आपकी जो नोज है वो थोड़ी सी चपटी है तो आप उसको खड़ा भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए कंटूरिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लॉरियल का न्यूड मैजिक बीबी पाउडर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी फेस पाउडर, रोज पाउडर, लूज पाउडर कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फेस है वो पूरा इवन लुक मिले उसको। तो मैं यहाँ पर इसको यूज कर रही हूँ। इसका जो शेड है वो 2 है। आपकी स्किन पर जो शेड सूट करे आप उसको यूज कीजिए। सो गाइस मैं ब्रश से इसको लगा रही हूँ। अगर आपके पास बनाना पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इतना फेयर नहीं है तो। एंड गाइस अगर आप शोल्डर कट स्लीव्स वाले कपड़े पहने हैं तो आप यहाँ पर भी पाउडर को लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत ही मस्ट है, वरना ये हमारा एरिया बिल्कुल बेकार लगेगा, अलग से और लगेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आप ब्लशर। देख सकते हैं मैंने ब्लश भी लगा लिया है, तो जा रही है। तो पहले मैं अपनी आईब्रोज को ठीक करूंगी, फिर मैं अपनी आई का मेकअप करूंगी। सो गाइस आपको अपनी आईब्रो को अच्छे से क्रिएट करना है, पर आपकी आईब्रो को डिफाइन कर देगा। पास है मेरी आईब्रो पेंसिल, तो इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। देखिए मेरे जो कंटूर पैलेट है उसमें ये व्हाइट कलर का शेड दिया गया है कंसीलर करने के लिए, तो यही इससे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिससे जो मेरी आईब्रो है उनको अच्छा से शेप मिले। देख सकते हैं मैंने अपनी जो आईब्रो है उनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली है, तो अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। तो आप जो ये इतना पतला वाला ब्लेंडर आता है इससे आप अपनी ऊपर की इनको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। मैंने इसको अपनी जो मेरी आईब्रो है उनको भी अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब मैं अपना आई मेकअप करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ, तो अब मैं यूज कर रही हूँ अपना वर्जन इटैलिका मेकअप किट 18 आई शेडो किट। तो इसमें यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का यूज,
ऐसे आपको पीछे से आगे करना है। गाइस देखिए हमें इनविजिबल आई मेकअप करना है। देखिए बहुत ही लाइट शेड दिखेगा, वीडियो में शायद इतना दिख नहीं पा रहा है लेकिन ये बहुत ही लाइट मेकअप है, लाइट आई मेकअप है। तो ऐसे ही आपको मेकअप करना है और आपको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। काफी है हमारा आई मेकअप, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, अगर डार्क होगा तो फिर वो ऑड लगने लगेगा। इतना ही हमारा लाइट मेकअप हो रहा है तो हम लाइट मेकअप करेंगे। तो अब मैं यूज कर रही हूँ काजल, तो ये है मेरे पास लैक्मे आइकॉनिक काजल, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड पर, वॉटर लाइन पर। मैं जो काजल लगा रही हूँ बहुत ही लाइट लगा रही हूँ। एंड अब मेरा आईलाइनर एंड मस्कारा लगाना रह गया है तो मैं आईलाइनर लगाने जा रही हूँ। सो गाइज मैं सोच रही, देखिए आप जैसे कपड़े पहने, अभी तो ये मैंने ऐसे ही कपड़े पहन लिए, लेकिन जब दिवाली पर हम लोग कपड़े पहनेंगे तो जिस टाइप के, जिस कलर के आपके कपड़े हो आप उस कलर का अगर आईलाइनर लगाएंगे तो इस बार बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। मैंने आईलाइनर भी लगा लिया है अपना मन पसंद का। आईलैशेस को कर्ल करने जा रही हूँ। गाइज देखिए आपको ऐसे लेना है कलर और ऐसे कर मैंने अपनी आईलैशेस को भी अच्छे से कर्ल कर लिया है। तो अब मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ, हमारा जो लास्ट होता है उसको बस लिपस्टिक से हम अपने मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मियोन की लिक्विड मैट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक को यूज कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाई है, देखिए पूरा मेकअप हो चुका है। लास्टली मैं हाइलाइटर को यूज कर रही हूँ, ये मेरे खुद का डीआईवाई बनाया हुआ हाइलाइटर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, रोल ऑन है, इसको आप डीआईवाई बना सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए आपको यहाँ पर बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देख सकते हैं गाइस मैंने हाइलाइटिंग भी कर ली है। तो अब मैं लास्ट मेकअप स्प्रे कर रही हूँ, तो ये मेरे पास किस ब्यूटी का मेकअप स्प्रे है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, तो लास्ट में ये लगाना, फिर आपको इसको ड्राई होने देना है। सो गाइस देख सकते हैं मेरा दिवाली स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल हो चुका है। तो आप ऐसे मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही इजी करना था इस मेकअप को, और सारे प्रोडक्ट मैंने ऐसे लिए थे जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, आईडी यहाँ पर मैंने मेंशन दी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।